गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 आपको पढ़ाया था और सारी उसमें चीज़ें कंप्लीट कर दी है। तो आज हम आपको नया लेसन पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये आपको आज हम चैप्टर आपको आज कंप्लीट कराएंगे, तो सुनेंगे। तो आवृतबीजी पादपों के जीवन काल में अत्यधिक विकसित बीजाणुद्भिद अवस्थाएं होती हैं, जो कम विकसित युग्मोद्भिद अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। बीजाणुद्भिद के प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, जिसके कारण इसे द्विगुणित पीढ़ी कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत पुष्पीय पादप जो आते हैं, उसी के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे कि पुष्प क्या है, पुष्प की घटनाएं क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी आज होगी पुष्प की संरचना। तो सबसे पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे इसी चैप्टर में, न्यू चैप्टर में, पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना क्या है, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पादप देखते हैं, जिनमें हम ये भी देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पुष्प उपस्थित होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की सुगंध उत्पन्न करते हैं तथा विभिन्न रंगों के तथा आकार के होते हैं। पुष्पों में उनका पादप जनन अंग भी होता है, यह एक विशेष प्रकार का रूपांतरित प्रारोह होता है। इस पुष्प में मुख्यतः 4 भाग उपस्थित होते हैं। तो पहला जो आपने देखा होगा कि पुष्प होता है, उसमें पंखुड़ी होती है, दलपुंज होता है, बाह्य दलपुंज होता है, पुंकेसर होते हैं, स्त्री केसर होते हैं। तो आज हम उसी के भाग आपको बताएंगे। सबसे पहला भाग कौन होता है पुष्प का, तो वो होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या है, तो लिखेंगे बाह्य दलपुंज में, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है, यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं, इसकी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं, तथा कलिकावस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। कभी कभी बाह्य दल पुंज के नीचे बाह्य दलों के समान एक और अन्य चक्र भी होते हैं, जिन्हें हम अनुबाह्य दल कहते हैं, जिन्हें हम अनुबाह्य दल कहते हैं। तो ये था आपका बाह्य दलपुंज। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे दलपुंज, दलपुंज। दलपुंज क्या है, तो दलपुंज जो होता है वह पुष्प का दूसरा भाग होता है, यानी कि इसे हम दूसरा चक्र भी कहते हैं। इसकी इकाई को दल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन थी, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, इसकी इकाई को दल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण हेतु आकर्षित करते हैं। अब तीसरी हेडिंग इसी की है, उसका नाम है उमंग, उमंग। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है जिसमें अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र था। अब यह आया पुष्प का चौथा चक्र, इसका नाम है जायांग। यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें प्रायः एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। तो ये थे आपके पुष्प के 4 भाग, पहला बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और
चायन। अब इसका हम आपको डेफिनेशन दिखा रहे हैं, सभी लोग देख ले। तो ये देखिए पुष्प की संरचना आप देख रहे हैं, यहाँ पर पुष्प ये बना हुआ है और पुष्प की संरचना बनी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पुष्प बना है ये इसका क्या है, उपशासन है। आपने देखा होगा जब कोई पुष्प खिलता है तो उसका हरा भाग नीचे की ओर होता है, ये इसकी डंडी है जिसे हरा भाग होता है, जिसे हम पुष्पग्रंथ कहते हैं। इसके जो ऊपर का भाग जो बाह्यदलपुंज जो हम लोग बाहर से रंग देखते हैं कि पुष्पों में, तो इसे हम बाह्यदलपुंज कहते हैं। और इसमें इस तरीके से आप ये जो भाग देख रहे हैं इसे हम कहते हैं परागकोश। और इसका जो अंदर का भाग ये आप देख रहे हैं, ये है बीजांड, ये है बीजांड, ये है पुतंतु, और ये है इसकी वर्तिका, यानी कि इस तरीके से भाग है, ये इसकी अंडाशय है, ये इसका वर्तिकाग्र है, ये इसका दलपुंज है, ये स्त्री केशर है। तो आप ये सभी देख लेंगे कि ये जो दलपुंज है तो दलपुंज दल रंगीन संयुक्त या पृथक होते हैं। इसी प्रकार से स्त्री केसर में आप देखेंगे ये अंडपों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक अंडप तीन भागों वर्तिका वर्तिकाग्र तथा अंडाशय में बटा होता है। ये अंडा पृथक या संयुक्त होते हैं, निषेचन के बाद बीजाणु से बीज तथा अंडाशय से फल बन जाते हैं। ये जो पुष्प ग्रंथ है इसकी सहायता से पुष्प शाखा में लगा रहता है, ये पुष्पासन है, इस भाग में अंग पर लगे रहते हैं। बाह्यदल पुंज में ये बाहरी चक्र इकाई बाह्यदल संयुक्त या पृथक बाह्यदली होते हैं। बीजाण के अंडाशय की बीजाण में लगे होने के कारण बीजाणुशय कहलाते हैं। ये जो भाग होता है वो परागकोश यानी कि पुंकेसर तो किशरों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पुंकेसर एक पुतंतु तथा परागकोश में विभक्त होता है, परागकोश द्विपालित होता है तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं जिनमें परागकण बनते हैं। तो ये आपका क्या था, पुष्प की संरचना। तो ये आपकी पुष्प की संरचना थी। तो आप आज इतना ही पढ़ाएंगे और आज हम उसके आगे पढ़ा रहे हैं आपको कि जन्नांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। तो जन्नांगों के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पुष्प होता है वो होता है एकलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प, तो एकलिंगी पुष्प क्या होता है कि जब दो पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में कोई जन्नांग उपस्थित होता है तो पुष्प एकलिंगी कहलाते हैं, जैसे पपीता तरबूज आदि। तो ये थे आपके एकलिंगी पुष्प। इसी प्रकार से होते हैं उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं, जैसे गुड़हल सरसों आदि। वह पुष्प जिनमें चारों प्रकार के चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प, तथा जिनमें एक या एक से अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। तो ये आज आपका था पुष्प। कल हम आपको पढ़ाएंगे पुष्प की घटना, पादपों के लैंगिकरण में होने वाली प्रमुख घटनाएं। देख रहे वीडियो बना रहे हो, सतुआ अतुआ सब हो सही समय भर गई। अब कम में हाव कर भर गो सब आप पानी कम जाओ कहीं जाओ तो वापस कर ले। वह काए गए, वह काए गए, फलाने के काए गए, गाने के काए गए।